गाइस अब देखते हो जो लाइक करके बोलना जो मेहनत से इतना मेहनत से जो ये जो दुकान सब बन रहा है दुकान सब टूट रहा है इनको बर्दो पड़ेगा या दुआ। हाँ बोल भाई आ रहा हूँ। हाँ पता है पता है। हाँ भाई देख मैंने तुझे पहले बोला था ना तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें। फाइनली आके मैं मिल चुका हूँ सरफान से और हसन तो नहीं आया आई थिंक कल आएगा ना। ज्यादा अरे तू कहाँ से बोल रहा है ये गया था एक दो दिन पहले फिर आ गया। ये बोल रहे थे हम इसको ब्लॉक में लेने के लिए इसको ले चुके हैं ब्लॉक में। इसका एक दोस्त है वो देखता है साला का वीडियो बोल रहा है तू उसमें आना ठीक है। एक आया था ना। हाँ हाँ चले साला कहाँ जाने वाले हो। मार्केट जाना है आजा। चलो पकड़ो मेरे साथ के लग रहा है मार्केट खत्म। आज मैं आई है मार्केट इधर से करते करते गया रहा हवा दुकान कहाँ गया भाई वहाँ छिप के बैठे हवा दुकान छिप का दुकान हुआ। और गाइस हमारे मार्केट का सब दुकान टूट रहा है पता नहीं क्यों। शायद कि रास्ता बढ़ेगा मतलब कि रास्ता तो बढ़ चुका है बन भी चुका है और ये दुकान सब क्यों टूट रहा है वो पता नहीं मेरे को। हमारे उधर भी टूटे हमारे गांव में। हाँ। गांव में नहीं टूटेगा गाइस अब देखते हो जो लाइक करके बोलना जो मेहनत से इतना मेहनत से जो ये जो दुकान सब बन रहा है दुकान सब टूट रहा है इनको बर्दो पड़ेगा या दुआ। गाइस हम पूरा खतरा रोड में पहुंच चुके हैं चार बजने वाले हैं। चलते हैं घर से बाहर देखते हैं भाई कैसे क्या कुछ सीन है ठीक है। और अहमद भी आया है तो उससे भी थोड़ा मिला देता हूँ आप लोग को। अहमद ओए अहमद क्या फिर से हरा भरा हो जा रही है ये तो। सुन खाना खाया तूने। हाँ क्या खाया तूने। खाया कुछ नहीं खाया। ए झूठा बात बोलता है ये मैं गए थे ना दावत में खाने के लिए। हाँ ठीक है तो झूठ क्यों बोल रहे है। झूठ क्यों बोल रहे वो घर के लिए। ऊपर में जो है सीप पता है उसको बनाने में ना बहुत पैसा और बहुत मेहनत लगा है। तेरा अबू के पास थोड़ा पैसा लाना मामा के पास पैसे नहीं है ला के देना 500 का नोट एक। सो मैंने भी ब्लैक शर्ट डाली है बिकॉज ब्लैक पैंट पहना है इसलिए अब चलते हैं। और मेरा चप्पल भी ब्लैक है और मैंने धागा भी ब्लैक पहन लिया है और इसके अंदर मैं देखो मैंने चाबी रखा अपनी बाइक की ठीक है। आ रुको हसन का कॉल आ रहा है। हाँ बोल भाई आ रहा हूँ। हाँ पता है पता है। हाँ भाई देख मैंने तुझे पहले बोला था ना। अबे सुन ना वो थोड़ा हमारे इधर छुट्टी नहीं देने वाले थे फिर कुछ हुआ फिर उसके बाद बोले 3 दिन का तो मिल जाएगा। देख देख मैंने तुझे क्या बोला था कि आ देख तेरा कॉलेज छुट्टी होने वाला है ना। मैंने तेरे को बोला था ना इससे पहले कॉल करके कि हाँ देख तीन चार दिन लेके जा रहा हूँ इतना खुशी महसूस हो रहा है अलग ही लेवल का भाई। अच्छा अच्छा मैं सोच रहा हूँ अभी शाम में निकल जाऊँ ठीक है। हाँ अभी शाम को तुम लोग आ जाओ उधर से ठीक है। शाम में तो यहाँ से निकल जाऊंगा बस थॉम देने। हाँ किसको देना किसको है तू सरफान दोनों आ रहे हो ना। हाँ जा रहे हैं। हाँ हाँ बताई नहीं बताई नहीं लेना पड़ेगा। हैं चलो हाँ ठीक है शाम को मेरे को कॉल करना ठीक है। ओके 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 चल चल रखता हूँ भाई। याद है मैंने कल के व्लॉग में बोला था कि हमारे उड़ीसा में बहुत तेज बाढ़ आने वाला है जिसकी वजह से अभी ना स्कूल कॉलेज सब छुट्टी हो रहे हैं। जो भी बच्चा हॉस्टल में है उसको बोलते हैं कि तुम घर चले जाओ। सो सब लोग आ रहे हैं 7-8 बजे तक आ जाएंगे ठीक है। और गाइस वहाँ पे देखो मुजाहिद खड़ा है ठीक है। जा रहा हूँ रुको। अरे मुजाहिद सुनो आपके कुछ चाहने वाले बोलते हैं कि जब भी आप मुजाहिद को सब ब्लॉग में ऐड करो ना तब उससे एक शायरी बुलाना। अच्छा ऐसा है। हाँ ऐसा है लेकिन अभी नहीं। दाजीर चूमने वाले। अरे हम हैं जंजीर चूमने वाले। अच्छा ये हकीकत पसंद थोड़ी है तेरी तस्वीर चूमने वाले।
और सिर्फ बातें ही कर सका रांझा, ले गए हीर चूमने वाले। ओहो घंटे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे हम बड़ी बातें करते रह जाते हैं, ले कोई और जाता है हमको। अरे भाई चलो जो भी है बाद में शायरी मानना, इसको लेके चलते हैं पार्सल, उधर कहीं खाते हैं स्टिंग के साथ में। अरे स्टिंग अभी बंद है। नहीं बंद नहीं है, तोड़ा जा रहा है उसी का दुकान। सुबह खुला था। हमने पार्सल ले लिया, अब हमको लेना है कुछ कोल्ड ड्रिंक, फिर इसके बाद चलते हैं अच्छे प्लेस में बैठ के नाश्ता करते हैं। ठीक है कोल्ड ड्रिंक स्टिंग हो जाए तो स्टिंग मिलेगा, उसका दुकान आई थिंक खुला होगा। स्प्राइट ले लेते सही रहता है, जैसे आपको मर्जी। हम जिसके दुकान से नाश्ता और स्टिंग वगैरह लेते थे उसी का दुकान अभी तोड़ा जाएगा। हसन ने कॉल किया था, चाय लासी मार के चीजी को। हाँ हाँ बोल कह भी थोड़े दिल चार्ज भाई। हाँ सरपन हाँ अच्छा ठीक है आराम से आओ, एक स्प्राइट लेता हूँ और एक कोक लेता हूँ। ठीक है भाई जोरी जोरी। और यहाँ से दुकान तोड़ा जाएगा, देखो ये लाइन में जितना भी दुकान आएगा सबका तोड़ा जाएगा। चलो चलते हैं। सुगुन का नाम सुना है तो इधर ही मिलता है, इधर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, बैठो नेचर के मजे लो फिर घर चलो। अरे पता है क्या वो जो मीम साना, ए बॉय ए बॉय, मैं कुछ ज्यादा अच्छे से बोल सकता हूँ। अरे गिर जाएगा, गिरेगा तो भाई तुम्हारा जाएगा, हमारा कहा जाएगा, बस लुक की लगा के लेके आ जाएगा। हाँ तुम्हारा ये है मेरा वो है, मतलब कि तुम्हारा 50 गया मेरा ही 50 गया ना। कैसे? हाँ राइट। इस जहां में है और न होगा। वाह क्या पकड़ा दिया बे, रिएक्शन मिलता है पीछे से, इधर देखो इधर पीछे तरफ हमारे पीछे। चलो जो भी है भाई इसे खाते हैं जल्दी से, हमारे पीछे तरफ भाई कहीं फोन ना गिर जाए, गिर जाए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलो ठीक है यार अभी इसको खाते हैं। और पता है मुझे आज ना सब लोग आने वाले हैं, जैसे कि सरफान हसन और जितने भी फ्रेंड्स सब है ना, सब लोग आ जाएंगे। एक तो आ चुका है। हाँ एक आ चुका है, बाकी सब आ रहे हैं क्योंकि बाढ़ आने वाला है ना, इसलिए हमारे उड़ीसा में पता है क्या, जो लोग न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा कल स्टार्ट होने वाला है, अभी 3 दिन कॉलेज स्कूल सब छुट्टी है उसके लिए। और उसका नाम पता है क्या है? दाना 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 उसका नाम है, थोड़ा अजीब सा नाम है दाना। दाना भी लग का होता, न्यू सुना है ये नाम। टेस्ट करके बताओ तो ये कैसा है और वो कैसा है। अबे बे पूरा पानी गंदा कर दिया बे, पी के देखो पी। अरे एक एक करके पीगो तभी तो टेस्ट समझोगे यार, होता ही बेकार था सब। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी झूठा ही सही प्यार तो करे, मैं भुला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे ना यूं फेर नजर, रूठेगा ना मुझसे। चलो मैं जाता हूँ ठीक है, फिर मिलते हैं कल। खुदा हाफिज। चलो अब मैं घर चलता हूँ। गुड मॉर्निंग तो गाइस, सुलाको गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैंने गया था मदरसा, सालों देख के गया था, सालों गए थे मार्केट में किधर गए थे, तो गाइस मैं सोच रही थी मदरसा जाऊंगा, मदरसा के देखो तो सालों तब तक भागा रहेगा, नमाज भी पढ़ चुके हैं, मैं भी आके मदरसा में नमाज पढ़ चुका हूँ। सालों यहाँ पे मोबाइल में क्या कर रहे हैं? मुझे तेरे को पता है हसन आ रहे हैं अभी, अभी आ रहे हैं। नहीं नहीं आते हैं। हाँ भी? उसको कहा आती बलाऊ नहीं यार, उसको आके मारता खाली मारता ना, मेरे को मारता है। क्या करना क्या करेंगे क्या मना, एक दिन बांध के पीटेंगे। चलो कैसे? अरे सो जाएगा ना नीचे से, इधर से मैं रस्सी दे दूंगा पूरा टाइट करके बांध दो, उसके बाद में लट्ठी ले जाएंगे बोटा वोटा लुआ के पीटेंगे, साल को जिंदे मार जैसा पीटेगा नहीं हमको। गया था 2-3 दिन पहले फिर आ गया वो हसन, क्या निकालेंगे वो हसन, बार बार आता क्या लंग आता, कौन उसको पढ़ाओ नहीं गिरा, पढ़ाती हूँ नहीं, मूर्ख बन के गिर गया ना, ये सब अच्छा नहीं। सही बोला तो बिल्कुल सही बोला, ये सब अच्छा नहीं समझे ना, जब मारने दो उसको, अब तो गालियां मुड़ जा के पीटो चले जा फिर हॉस्टल, और जम्मा आने और जम्मा आने का नाम लिया तो। हैं यदि तुमरे यहाँ को बोला के लिए भागो तुमरे पड़ेगा फिर कब को। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। सो देखो रे अभी ना मेरे को थोड़ा सा गर्म टाइप के कपड़े चाहिए, तो मैं कौन सा लूँ, ये येलो या फिर ये पिंक। और मैंने गर्म कपड़े क्यों पहने पता है, पहले तो टाइम देखो अभी 9 बजने वाले हैं रात के, और इसलिए मैंने गर्म कपड़े पहने हैं। अभी मैं जाऊंगा हसन और सरफान बुलाने के लिए, वो स्टेशन पे वेट करे हैं, और इतनी रात को मैं अकेले जाऊंगा, हसन ने उसके घर में नहीं बताया कि वो आया है। ठीक है बोला कि तू भी घर में मत बताना, तू चुपके आना मेरे को लेके जाना ठीक है, और मैं अपनी फैमिली को ना बताऊं तो गुस्सा करेंगे, तो मैं अम्मी को बता देता हूं, अम्मी को बताऊंगा तो कुछ नहीं होगा। So, चलते हैं। और इसे ठंडी लग रही थी बाहर गया था तो मैंने गर्म कपड़े पहन लिया ठीक है।
सोते पर मैंने अम्मी को बोला, अम्मी बोली कि हाँ चल ठीक है संभल के जाना, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को 10 किलोमीटर जाना है और ठंडी भी लग रही है। लेट्स गो, देखते हैं भाई हम कब तक पहुँचते हैं, ठीक है। और वैसे भी मेरा फ्यूल नहीं है, देखो पता नहीं रास्ते में रुक गया तो फिर प्रॉब्लम, चल के वहीं पे फिल अप करते हैं। सो देखो यार फाइनली आके मैं मिल चुका हूँ सरफान से, और हसन तो नहीं आया, आई थिंक कल आएगा ना। अभी बस ना कितना भी भाई, कहाँ से चल गए मालूम, 2 किलोमीटर से। 2 किलोमीटर बस ज्यादा है। अरे तू कहाँ से बोल रहा है? मतलब क्या, देखो ये गया था, ये कुछ दिन हो गया, ठीक है, फिर से ये आ गया भाई। इतना ये सेट शॉट स्टोरी लगाया ना, मेरे को आना ही पड़ा, मैं क्या करूं। हां यार भाई इंस्टा में तो ये लोग फॉलो नहीं करते, इनको कैसे पता चलेगा। जो भी है देखो सेट शॉट स्टोरी कहां में लगाया, जो भी है भाई ये गया था एक दो दिन पहले फिर आ गया। भाई जल्दी चलो, बाढ़ आने वाला है, सिर्फ कॉलेज इसीलिए छुट्टी हुआ है, फिर नहीं जाओगे तो फिर बाढ़ आ जाएगा। चल 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 के पहले फिल अप करते हैं, पेट्रोल भी नहीं है, रास्ते में खत्म हो जाएगा। सरफान टंकी फुल कर दे, 570 में टंकी फुल हो जाएगा क्या? 5 लीटर 600। अबे और 500 डालने से इधर आ जाएगा ना। चलो 3 दिन तो साइक्लोन आएगा भाई, कहाँ घूमे, बैठना उसके बाद में होता। ओके तो सरफान के घर आ चुके हैं, जा कल मिलते हैं, ठीक है। वैसे हसन के घर में तो कुछ नहीं बोला है, तो देखते हैं भाई क्या रिएक्शन होता है। चल के देखना पड़ेगा घर का रिएक्शन क्या है, नहीं बोला है मैंने। मेरे घर में बोला हूँ जा सकता हूँ, कंफर्म होने के आ सकता हूँ। सो हसन घर हम लोग पहुँच गए। 5 मिनट्स लेटर। सो देखो हसन को तो उसके घर में छोड़ दिया, एंड अभी 10:30 बज रहा है, ठीक है। तो इस ब्लॉग के फुल स्टॉप लगाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो टेक केयर, बाय बाय। तेरे को पता है मैंने व्लॉग एंड कर दिया था? मैंने एंड नहीं किया। चलो चलते हैं सोने के लिए साथ में।